हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा जाइंट बॉय, और जिसको देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। और अगर आप बड़ी ब्रीड के शौक रखते हैं, और स्पेशली जैसे कि आज मैं उस ब्रीड को भी इंट्रोड्यूस करूँगा, सैन बर्नार्ड। अगर आप सैन बर्नार्ड लवर हैं, आपको एक ऐसा डॉग का आपको से आपको प्यार है जिसको देखने में एक बहुत ह्यूज साइज का जो डॉग हो, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये आप हमारे साथ में देखिए, ये मॉन्स्टर बॉय। ये पपी मैंने कुछ टाइम पहले इस भाई को सेल किया था, और मेरे साथ ये भाई हैं। तो सबसे पहले आप इसकी क्वालिटी देखो गाइस, ये पूरा पूरे रिच डार्क कलर में है। आप इसका मार्किंग देख सकते हैं, प्रॉपर मार्किंग है, फेस की मार्किंग पूरी क्लियर है, और कलर बहुत डार्क है। थोड़ा सा ये नेक के बाल जो है ना, वो कट किए गए हैं, लेकिन आप इसका साइज देख सकते हैं, बोन साइज देख सकते हैं, ओवरऑल इसकी क्वालिटी देखिए। तो हम बात करने वाले हैं आज इसके जो ऑनर हैं, हमारे साथ हैं। तो आपका वेलकम है हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम आदेश अग्रवाल है। अच्छा, कहाँ से हो आप? कोरबा, छत्तीसगढ़ से। तो ये डॉग जो मैंने आपको दिया था, कितना टाइम पहले दिया था? मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो जब बचपन में मैंने दिया था, इसमें ट्रस्ट पे लेके गए थे ये हमसे, तो कैसा लगा आपको ये क्वालिटी से? आप संतुष्ट हो, नहीं हो क्या? बहुत संतुष्ट, बहुत अच्छा क्वालिटी निकले। अच्छा, तो ओवरऑल जैसे इस ब्रीड के बारे में आप बताओ, आपको क्या इसके आपको अच्छा लगा इस ब्रीड से रिलेटेड? जैसे आप 1.5 साल से आप इसको रख रहे हो अपने पास, तो जो भी चीजें हैं आपको इसमें, क्या चीजें अच्छी लगी वो थोड़ा सा आप बताइए। फ्रेंडली और थोड़ा गार्ड डॉग टाइप भी हो जाता है, तो अच्छा, ही लगा। मैं फर्स्ट ओनर था, तो मेरे को यही सजेशन अच्छा लगा। बहुत सारे लोग डरते हैं कि सैन बर्नार्ड बहुत बड़ा ब्रीड है, तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, ना बाल झड़ने की इतनी परेशानी आई, ना किसी चीज। अच्छा, मतलब जितना लोग बताते हैं बाल का, बहुत ज्यादा बाल से रिलेटेड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओवरऑल आप ब्रीड से सेटिस्फाइड हो, क्वालिटी से जो हमने आपको दिया उससे आप सेटिस्फाइड हो? तो और कुछ बताना चाहोगे हमारे रिलेटेड, हमारे डॉग्स से रिलेटेड, कि जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमसे? कैनल भी पूरा क्लीन रहता है। मैं हॉस्टल में छोड़ा था अभी भैया के पास, बहुत टाइम के लिए मैं बाहर गया था, तो भैया ने इसको अच्छे से रखा, पूरा अच्छे से ध्यान रखा, और कैनल भी पूरा क्लीन रहता है। अब चाहे तो और भैया के पास बहुत सारी ब्रीड आके ले सकते, भैया के पास एक्स्ट्रा डॉग्स भी हैं, देख भी सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भाई। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा बॉय है, इसका नाम क्या रखा है? जैकी। ये जैकी है, और जैकी जो है अब ये 1.5 ईयर का, 18 मंथ का हो चुका है। ये स्टड सर्विस के लिए भी अवेलेबल है बेटा, ऊपर आ। और अगर आपके पास फीमेल है, या आप इसको स्टड पर्पज से यूज करना चाहते हैं, तो ये स्टड सर्विस के लिए अवेलेबल है। नंबर हम अभी मेंशन कर देंगे आपको, नीचे जो दिया जा रहा है उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी ब्रीड की, अगर आपको क्वालिटी पपीज अडॉप्ट करना है, किसी भी एज के, किसी भी डॉग या पपी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सारे ब्रीड्स के जो स्टड हैं, वो हमारे पास टॉप एंड टॉप क्वालिटी के अच्छे ब्लड लाइन्स के अवेलेबल हैं। तो इसी तरीके से आप भी हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।